आज पूरे आसाम के कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें आसाम के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता साथी यहाँ पर आए। फ्रंटल हमारे संगठन के लोग, मेन विंग के लोग, सारे लोग उपस्थित थे और हम सब ने एक संकल्प लिया है कि दिल्ली और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, उसको हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और 2024 में 2024 के इलेक्शन में एनडीए, जिसको मैं कहता हूं न्यू डीलर ऑफ अडानी, वो एनडीए की सरकार को हराने का काम करेंगे, मोदी सरकार को हराने का काम करेंगे और इंडिया को जिताने का काम करेंगे। ये संकल्प आज हम लोगों ने इस कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया। देखिए, सीट शेयरिंग के बारे में जो मुंबई के अंदर मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला ये हुआ था कि अक्टूबर तक इंडिया गठबंधन ये डिसाइड कर लेगा कि कौन सी पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं है कि कौन कहाँ से कितनी सीटों पर लड़ेगा। तो इसलिए हमको उस फैसले का इंतज़ार करना होगा, जब इंडिया गठबंधन के लोग आपस में बैठेंगे और तय करेंगे कि कौन सी पार्टी किस स्टेट में कितनी सीट लेगी। इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है लोगों को, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। ये एक ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला है। ड्रग्स से जुड़े हुए मामले में कोर्ट का आदेश है। इस मामले में, सुखपाल खैरा के मामले में, कोर्ट ने एसआईटी बनाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ जो एविडेंस है उसके आधार पर कार्रवाई कीजिए। देखिए, यहाँ पे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया कि बालू के माफिया, उनका करप्शन, और जो मुख्यमंत्री की पत्नी से जुड़ा हुआ मामला आया, 10 करोड़ रुपए उनको मिला है, जमीनों का घोटाला उनके मामले में सामने आया है, इस पे कार्रवाई कौन करेगा? नरेंद्र मोदी जी का एक फॉर्मूला है, 2014 के बाद जब से उनकी सरकार बनी है, जब प्रधानमंत्री बने, जो उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है वो पवित्र हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से सारे दाग चुटकियों में धुले। ये 2014 के बाद लगातार आप जितने भी मामले देखेंगे यही हो रहा है। मुकुल राय का मामला देखिए, हेमंत विश्व शर्मा का मामला देखिए, अजीत पवार का मामला देखिए, शिवराज सिंह का मामला देखिए, येदुरप्पा का मामला देखिए, सारे मामले उठा के देखिए आप। तो वही फार्मूला मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के यहां भी मुख्यमंत्री को उन्होंने क्लीन चिट दे रखा है। इस मामले की अगर पूरी जांच निष्पक्षता के साथ हो तो यहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, उनके परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ना जांच होगी ना कार्रवाई होगी।